क्या है न्यूज? अरे जब देखो क्रिकेट, जब देखो क्रिकेट बंद। आ गए सुबह सुबह आ गए। क्या है अंकल? हम क्रिकेट मैच देखने आए हैं। क्रिकेट मैच? तुम्हारे घर में टीवी नहीं है क्या? अंकल वो क्या है ना, हम अपने घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अच्छा तो मुझे डिस्टर्ब करना चाहती हो? इसे कहते हैं असल से ज्यादा सुन प्यारा होता है। बोल ली तो चुप है ना अंकल, प्लीज टीवी ऑन कीजिए ना। अरे कुछ नहीं, मैच वैच चलो, बैट जितनी हाइट नहीं और क्रिकेट के शौकीन। अंकल मैं सिर्फ शौकीन ही नहीं, मैं क्रिकेट खेल भी सकता हूँ। आपको क्या बैट पकड़ना आता है? अरे कॉलेज के जमाने में मैं चैंपियन था, चैंपियन। झूठ बोलने में? अरे झूठ बोलने में नहीं, हर टूर्नामेंट में मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट था। अच्छा तो सब टूर्नामेंट में आप ही एक मैन थे? अंकल प्लीज फेंकना बंद कीजिए। पहली बात, मैं आपसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में जानता हूँ और मैं आपसे अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ। और दूसरी बात, अगर आप क्रिकेट खेलने निकलोगे ना तो कोई आपको चांस भी नहीं देगा। अरे जा जा। अंकल ये क्यों जाए, आपका घर है, आप जाइए। मेरा घर है, मैं जाऊँ? अरे तुमसे अच्छा क्रिकेट मैं खेल सकता हूँ। अंकल मैं ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ। अरे ये बकरी की तरह मैं क्या कर रहे हो? हर साल की तरह इस साल भी अगले संडे विक्रम अंकल की टीम और लालवानी अंकल की टीम में क्रिकेट का मैच है और उसमें पता चलेगा कि आप दोनों में से अच्छा कौन खेलता है। डन। फ्रेंड्स हमें हर हाल में लालवानी से ये मैच जीतना है। ओके ओके जरूर जीतेंगे। देखो विक्रम, मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाया हूँ। नहीं चाहिए, आप बैठ जाइए ना प्लीज प्लीज। उठो, मैं पड़ोसी हूँ उनका, उठो। ढंडा साहब प्लीज। तो दोस्तों अब टीम का सिलेक्शन करते हैं और सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं वाइस कैप्टन को और हमारे वाइस कैप्टन होंगे थैंक यू विक्रम कुलकर्णी। उसके बाद अब अरुण विक्रम। ढांडा साहब मैं तो टीम में हूं ही, कैप्टन जो। उसके बाद पौंची। पौंची क्या क्रिकेट खेलेगा? ढंडा अंकल आपको पता नहीं, पिछले मैच में पौंची ने दो वीरेंद्र सहवाग जैसे एग्रेसिव बैट्समैन को इंजर किया था। अब सिलेक्ट करते हैं हमारे स्टार प्लेयर को और हमारा स्टार प्लेयर है गोल्डी। गोल्डी अच्छा क्रिकेट खेलते ही है, मुझे आज पता चला। मुझे भी। और बाकी प्लेयर्स में है गिल्ली, सनी, उदय, अंकुश, श्रीकांत। विक्रम मैं ढांडा साहब आप तो हमारे टीम के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, आपके बिना तो हम खेल ही नहीं सकते। अच्छा आप 12वें खिलाड़ी जो ठहरे। देखा सुना 12वां खिलाड़ी मतलब वो पानी और जूस ले जाने वाला। हेलो मैं सीबीआई ऑफिसर गोपीचंद बोल रहा हूँ। एक मिनट डैड, ढंडा अंकल सीबीआई ऑफिसर बन के बात कर रहे। हेलो, मैंने सुना है कि तुम लोगों में क्रिकेट मैच है। हाँ? और मुझे ये भी पता है तुम्हारे टीम में वो जो कुलकर्णी है ना वो फूट गया है। अरे साहब वो घड़ा थोड़ी है जो फूट गया है, मेरा मतलब वो गुप्ता से मिला हुआ है, वो आपकी टीम को हराना चाहता है। ये सीबीआई वाले इतना छोटा किस कब से हैंडल करने लग गए? शट अप। देखो वो कुलकर्णी गद्दार को टीम से निकालो। दरअसल आपको गलतफहमी हुई सर, कुलकर्णी नहीं ढांडा साहब गुप्ता से मिले हुए। अरे नहीं नहीं विक्रम, अरे ये मुझ पर झूठा इल्जाम है। पापा! ये कौन बोला? ढांडा साहब, गिल्ली ने आपकी आवाज पहले ही पहचान ली थी। क्या? पापा! पौंची कैच, गुड। दानिया, वेरी गुड। गिल्ली, गुड। गोल्डी कैच। गोल्डी बोल देना मैंने लाया, घर से लाओ क्या? ये भगवान से लाओ।
नहीं कोई जरूरत नहीं है। ओके सर जी। गुड मॉर्निंग विक्रम। गुड मॉर्निंग डांडा साहब। अब मैं टीम में शामिल हो सकता हूँ? सॉरी डांडा साहब, ऑलरेडी 11 प्लेयर हो चुके हैं। जल्दी तान्या को बोल दो बेटा। नहीं नहीं विक्रम, लेकिन मैंने लालवानी को कन्विंस कर दिया है। किस बात के लिए? 12 प्लेयर के टीम के लिए कन्विंस कर दिया है। लेकिन डांडा साहब, क्रिकेट सिर्फ 11 प्लेयरों के साथ ही खेली जाती है। नहीं नहीं, लेकिन अगर उसे लालवानी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरी तो। अरे स्टूपिड, ये तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। पोंची ने बोला बॉल मार तो मैंने मार दिया। प्लीज हाय कैप्टन। अरे आओ कुलकर्णी, चलो प्रैक्टिस करते। नहीं कैप्टन, आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? बिजनेस के सिलसिले में। जाओ 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 ना, नो प्रॉब्लम। एक मिनट ढांडा साहब। हाँ बोलो बोलो। बिजनेस के सिलसिले में कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उसे बोलने दीजिए ना। वो बोल रहे हैं। अच्छा, बिजनेस के सिलसिले। जाओ, मैं कहाँ रुक रहा हूँ, जाओ ना। एक मिनट, बिजनेस के सिलसिले में मुझे संडे को पुणे जाना होगा। क्या? जी, और अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, नुकसान हो जाएगा। अरे बिजनेस पहला कुलकर्णी, बिजनेस पहला। जाओ तुम। जा, जाने दो जाने दो। बिजनेस है बाबा, बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। अब मैं शामिल हो सकता हूँ? ये अरे अब मैं टीम में खेलूंगा। डांडा साहब। हाँ डांडा साहब। क्या? आप प्लीज प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ना। प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है विक्रम। अरे मैं तो यू मैच जिताऊंगा। यू ये देखो, कैच की प्रैक्टिस कर दे। ये सजा तुम आदमी है कि ब्रेक फेल तक। मेरा खूबसूरत चेहरा बिगड़ जाता तो। खूबसूरत चेहरा? अरे मैं कैच कर रहा था, तू बीच में क्यों आया? कैप्टन। हाँ बोलो वाइस कैप्टन। ये संडे को मैच जीतने के बाद हमें पार्टी कहाँ दोगे? मेरा ख्याल है हम सूरजगंज जाएंगे। अच्छा, कोई बड़ा रिजॉर्ट है क्या वहाँ पर? वहाँ बहुत बड़ा रिजॉर्ट नहीं है, मंदिर है, वहाँ फ्री में खाना मिलता है, लंगर लगता है। हम लोग पेट भर के खाना खाएंगे और टिफिन भी भर के लाएंगे। एक मिनट, मैच जीतने के बाद का क्या मतलब है कैप्टन? बोलो वाइस कैप्टन। इनको समझा दो, दुश्मन टीम के कैप्टन को समझा दो कि संडे को मैच हम ही जीतेंगे। क्यों, तुम्हारी टीम में तेंदुलकर और द्रविड़ खेलने वाले हैं क्या? नहीं दुश्मन कैप्टन, पर तुम लोग हारोगे क्योंकि तुम्हारी टीम में डांडा जो है। जिस टीम में ऐसा दोस्त हो ना, उसमें दुश्मन की क्या जरूरत है यार? ये बिल्कुल सही कहा तुमने। नहीं नहीं, गलत है, बकवास है, झूठ है ये सब। काय का बकवास है, देखना ये डांडा तुम्हारी टीम को हराएगा। चलो आओ बच्चों। किली बॉल दो बेटा, मैं अभी आप लोगों को आपकी पोजीशंस बताता हूँ। गोल्डी आप विकेट कीपर बनो, पोंची आप बाउंड्री पे जाओ, और डांडा साहब आप गली में। गली में कैप्टन ने जो कहा वो कीजिए, वरना टीम से आउट होना है। नहीं नहीं नहीं, मैं जाता हूँ गली में। टंडा अंकल आप कहाँ जा रहे हो? सामने वाली गली में। टंडा अंकल गली मतलब वो वाली गली नहीं, गली एक फील्डिंग की पोजीशन है। कैप्टन आप डंडा अंकल को स्लिप में रखिए। नहीं नहीं, अगर मैं सो जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डंडा अंकल स्लिप भी एक फील्डिंग की पोजीशन है। क्या डंडा अंकल, आपको तो कुछ भी नहीं आता, ऐसे ही चैलेंज लगा लिया। डोंट वरी तानिया, डंडा अंकल एक दो साल में सीख जाएंगे। और 6 महीने में बैट पकड़ना सीख जाएंगे। 6 महीने में बॉलिंग करना सीख जाएंगे। और जिंदगी भर फील्डिंग करना नहीं सीख पाएंगे। देखो कैप्टन, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हकीकत को मजाक नहीं कहते डांडा साहब। क्या? चलिए फील्डिंग कीजिए, मैं बॉलिंग करता हूँ। चलो डंडा अंकल। डांडा साहब बॉल निकल गया। देखा मैंने। तो फिर आपने पकड़ा क्यों नहीं? वो क्या है, वो पहला बॉल भगवान का होता है ना, तो छोड़ दिया। अभी ध्यान से फील्डिंग कीजिएगा प्लीज। हाँ ढांडा साहब कैच। क्या ढांडा साहब, आपने कैच छोड़ दिया? वो देखा मैंने, कैच था। तो फिर आपने कैच पकड़ा क्यों नहीं? पहला कैच भगवान का कैच होता है। देखो क्या है, बहुत सालों से प्रैक्टिस नहीं ना, 1-2 महीने में आ जाएगा। 1 महीना? ढांडा अंकल मैच अगले संडे है। तो क्या डे एंड नाइट प्रैक्टिस करूंगा। गुड मॉर्निंग विक्रम बाबू। गुड मॉर्निंग डांडा साहब। क्या बात है, बस यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो तुम्हें कोल्ड कॉफी पसंद है ना? हाँ जी। तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी लाया हूँ। अरे थैंक यू। क्या बात है डांडा साहब, आज तो पूरे क्रिकेट में लग रहे हैं।
एक बात पूछूं? अरे ढांडा साहब, आप एक क्या हजार बातें पूछें, जब तक मैं बोर नहीं होता ना तब तक आपकी बातों का जवाब दूंगा। वेरी गुड। देखो मुझे ये बताओ कि ओपनिंग में मेरे साथ किसको भेज रहे हो? आपके साथ? नहीं, गिल्ली को ही भेजो ताकि उसे मेरे टैलेंट का पता चले। नहीं नहीं ढांडा साहब, आपके टैलेंट का मुझे पता है। तुम्हें तो है बेटा, तुम्हें तो है, लेकिन उसे पता होना चाहिए, उसके साथ चैलेंज लगाई है मैंने। ढांडा साहब मैं क्या कहता हूँ कि आप ये सब फालतू बातें करने की बजाय घर जाके प्रैक्टिस कीजिए ना, कल मैच है। हर बॉल पे फोर मारने वाला हूँ मैं। मैं जानता हूँ कि आप हर बॉल पे फोर मारेंगे, पर मैं क्या चाहता हूँ कि आप हर बॉल पे सिक्स मारें। सिक्स? हाँ, दिखाता हूँ। ये बॉल आया और ये मैंने मारा। स्लिप ऑफ टंग। अपने आप को क्या सचिन तेंदुलकर समझता है? और आप क्या अपने आप को जॉर्ज बुश समझते हो? जॉर्ज बुश को कहाँ क्रिकेट खेलना आता है? आपको भी कहाँ आता है? हसले हसले तू, जब मैच जीता कर दूंगा ना तो आओगे, डंडा अंकल मुझे माफ करना, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। क्या? आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता? तो आप बड़ी बड़ी डिंगे क्यों हाँक रहे थे मुझे हराने के लिए? मैं मैच जीता कर दूंगा तुम्हें, देखेंगे देखेंगे। रेडी गाइस? रेडी। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप सबको सुबह के मीठी चाय जितना ही मीठा गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ मिसेस शालिनी ढांडा, वेद के गोल टकले जैसे गोल मैदान में आप सबका स्वागत है। आज दो टीमों के बीच एक जानदार शानदार क्रिकेट का मुकाबला होने वाला है। एक तरफ है बिरयानी जैसी लालवारी की टीम और दूसरी तरफ है पुलाव जैसी विक्रम की टीम। और पुलाव जैसी टीम में है एक बॉयल बटाटा। आज के मैच के अंपायर है तानिया और रिंकी। लगता है टॉस के लिए कॉइन उछाला गया है। और टॉस जीता है चिड़िया टीम ने, अब मतलब लालवानी टीम ने। लालवानी अंकल हमारा कॉइन तो दीजिए। अरे ये कॉइन मेरे लिए लकी है। और लालवानी की टीम करेगी बैटिंग। ऑल द बेस्ट। आप उधर जाइए, आप उधर जाइए और आप उधर जाइए। मैं? आप बाउंड्री लाइन पे जाइए। गोल्डी बेटा आप वहां चलो, आ जाओ। विक्रम आज तुझे चक्रम नहीं बनाया तो देखना। देखते डैड, ये गुप्ता अंकल राहुल द्रविड़ जैसे चिपकू बैट्समैन है। डोंट वरी, मैं बॉलिंग करूंगा ना, फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाएगा वो। अच्छा हाँ, ये लीजिए बॉल। अच्छा, और बाउंड्री लाइन पे जाइए। इतनी दूर से मतलब फास्ट ना? हाँ, जाइए। ओहो, वेद को बॉलिंग दे दी। लगता है कैप्टन आज शेख चिल्ली का चेला बनने के मूड में है। डांडा साहब बॉल फेंकिए और आप अभी वहीं खड़े रहिए। गोल्डी इधर आओ बेटा। यस कैप्टन। लो आप बॉलिंग करो। ए विक्रम। डांडा साहब आप वहीं बॉडी लाइन पे खड़े रहिए और ये ध्यान में रखिए कि पहला फोर भगवान का नहीं है। ओके। ओ पोपट। लो गिल्ली बेटा आप पोजीशन लो। आओ बेटा। गोल्डी का पहला ओवर है और गुप्ता बैटिंग कर रहे हैं। और ये वो। टीम के अरे दोस्त है यार मेरा। ए नॉट आउट।
का स्कोर हुआ है 121 रन 20 ओवर में। ओके गाइस, हमें ये मैच जीतना है। यस। ओपनिंग के लिए गोल्डी आप और मैं जाता हूँ। मैं एक मिनट ढांडा साहब, सुनील आप नॉन स्ट्राइकर रहोगे। तो मैं कब जाऊँ? आप थक गए होंगे ना, आप बैठिए, आप बाद में जाइएगा। सुनील अंकल जरा संभाल के, आप बहुत एक्साइट होते हो। ज्यादा एक्साइट मत होना नहीं तो मैं जाता हूँ। नहीं नहीं डंडा अंकल, वैसे थोड़े एक्साइटमेंट की जरूरत है। हाँ हाँ, चलिए चलिए अपने टीम को चीयर कीजिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन बॉयज, नाउ वी हैव टू विन द मैच। यस गुप्ता, तुम बॉलिंग डालो। yes. तुम बाउंड्री पे जाओ, तुम स्क्वायर लेग पे जाओ, तुम मिड ऑफ पे जाओ, तुम गली पे जाओ, और तुम इधर उधर कहीं भी खड़े रहो। मैं जाता है घर को। क्या हुआ? लालवानी लालवानी, विकेट कीपिंग करो। हाउस कीपिंग नहीं। अच्छा बोल रहा था, मैं जाता हूँ बैटिंग के लिए। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। एक भी बॉल नहीं और एक विकेट। गोल्डी 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 नो आउट। अरे कमाल है यार, आउट आउट। पहुंची चॉकलेट है, चॉकलेट पहुंची। पहुंची कहां जा रहा है? कौन आउट? सिर्फ 5 बॉल और 7 रन चाहिए। आज कुलकर्णी होता ना तो हम शायद जीत जाते। अब सिर्फ 2 जन बचे हैं, गिल्ली और डांडा। किसे भेजूं? मैं जाऊं। कुलकर्णी, अरे मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। अरे बहुत अच्छा हुआ। अरे पहन लो पहन लो पहन लो। चलो कुलकर्णी 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 कुलकर्णी। I'm sorry Vikram. It's all right Kulkarni. Gilly beta, जाओ। अब टीम की इज्जत आपके हाथ में। टंडा अंकल, आप जाइए। Gilly beta, सिर्फ 3 बॉल बाकी और 4 रन लेने, और आप ढांडा साहब को भेजने की बात कह रहे हो? हाँ डैड। टंडा अंकल, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप हमारी टीम को जरूर जिताओगे। डंडा अंकल, आप सबको आपका टैलेंट दिखा दीजिए प्लीज। डंडा अंकल, हाँ डंडा साहब, अगर हम हार भी गए ना तो भी कोई बात नहीं, पर आप अपना टैलेंट दिखाई दीजिए प्लीज। डंडा अंकल प्लीज। हेड बंदो, तू खेलेगा? अरे जा, जाएगा तो तू। जा जा, भाई जा जा, तू गया। आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे कमाल मैंने कहा किया, कमाल तो गिल्ली ने किया, मुझे खेलने के लिए चांस जो दिया। डंडा अंकल, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप आगे मैं पीछे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ए पत्थर साहब, आप यहाँ आइए आइए। इस बॉल से सिक्सर किसने मारा?
क्यों? डंडा अंकल ये बहुत बड़े आर्ट फिल्म मेकर है मिस्टर पत्थर। हाँ, और आपको शायद अगली आर्ट फिल्म में मॉडल लेना चाहते हैं। मैंने मारा, लेकिन ये बॉल आपको कहाँ से मिला? गाड़ी के सीट पर। अय्या! इस बॉल से मेरे गाड़ी का कांच टूटा, कांच का 10,000 का बिल लेने आया हूँ।